बिग बॉस हाउस में हुए कई सारे हंगामे, जास्मीन के पागलपन ने उड़ाए सभी कंटेस्टेंट के होश, कविता की कैप्टेंसी का क्या कहना, सभी कंटेस्टेंट पर पड़ रही है भारी इस सीजन की कैप्टन, घर में फिर छिड़ी है नेपोटिज्म की बात। निक्की का गेम तो दो तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपने भैया और सैया दोनों के साथ मंडराती है आजकल निक्की मैडम। वैसे आज जान और निक्की के बीच हुई है फाइट। जान निक्की से हेल्प मांग रहे थे, पर निक्की का कहना है कि हमें ना बोला करो आप, और जान को हमें इस शब्द से हो गई प्रॉब्लम। पर निक्की को तो जान से ही प्रॉब्लम है। जान तो निक्की को बार बार कह रहे थे कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। वैसे जान निक्की से इतनी बहस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल के साथ निक्की का उठना बैठना जो है, जान को ये बात कभी हजम ही नहीं होती। इसीलिए जब भी राहुल के साथ निक्की को देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। निक्की ने क्लियरली कह दिया कि भले जान उन्हें लाइक करे, बट निक्की के साइड से ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इनकी लव स्टोरी तो दूर की बात है जनाब, इनकी दोस्ती भी ढंग से टिक नहीं पा रही। पर हाँ, घर में एक लव स्टोरी की शुरुआत जरूर हो सकती है, जहाँ पवित्रा का कहना है कि उन्हें एजाज से हो गई है अटैचमेंट। एजाज को भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, पर दोनों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं इस सीजन की ऐसी कैप्टन की जो अपनी कैप्टेंसी को बखूबी निभा रही है। आज तो एजाज ड्यूटीज को लेकर कुछ बोल पड़े, तब कविता ने क्लियरली कह दिया कि बात सभी की सुन लेती हूँ, लेकिन घर की कैप्टन मैं हूँ और फाइनल कॉल मेरा ही होगा। है ना दमदार वाली बात। कैप्टन कविता की शार्दुल से फिर एक बार बहस हुई। आज भी कविता बिग बॉस द्वारा दिए आदेशों का पालन हो इसीलिए शार्दुल को कविता समझा रही थी, पर बात बिगड़ गई और बिग बॉस की बेइज्जती ना करने का जिक्र भी कविता ने शार्दुल से किया। वैसे शार्दुल को आज कविता ने फिर कहा कि आप बिग बॉस नहीं हो। जास्मिन तो कविता और शार्दुल इन दोनों के पास जाकर बात को सुलझाने की कोशिश में लगी थी, पर बात नहीं बनी। शार्दुल को कविता का ये बिहेवियर ईगोइस्टिक लग रहा था, पर कविता को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपनी स्विचिंग को एंजॉय करते हुए नजर आ रही थी। अब आते हैं कैप्टनसी के टास्क में, जहां फिर बिग बॉस ने पलटा सीन। जी हाँ, टास्क में कैप्टन चुनने का जिम्मा दिया रेड जोन के कंटेस्टेंट को। बिग बॉस में दिखी वर्ल्ड टूर की झलक। रेड जोन एरिया के कंटेस्टेंट ने सोच लिया है कि एजाज को ही उन्हें कैप्टन बनाना है। वैसे रुबीना तो स्मार्ट निकली, अपनी टीम के साथ बातचीत करते वक्त उन्होंने कह दिया कि देखना, रेड जोन वाले कंटेस्टेंट तो एजाज को ही कैप्टन बनाने की कोशिश करेंगे। वाह रुबीना, आपकी स्मार्टनेस का तो क्या कहना। वैसे जान, निक्की और राहुल तीनों ही निशांत के पास आकर पूछने लगे कि अगर आप कैप्टन बनोगे तो किस तरह से हमें सपोर्ट करोगे। तभी निशांत ने तो कह दिया कि दोस्ती नहीं देखेंगे, बस डिजर्व है नहीं इस बेसिस पर तय करेंगे। लो कर लो बात, दोस्ती के दावे जिन्होंने भी घर में किए, वही दोस्ती को निभाने से पीछे हटते हुए नजर आए। और जैसा कि वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने भी कहा था, सीजन 14 की तो प्रथा हो चुकी है, दोस्तों को ही सूली पर चढ़ा दो। अब शुरू हुआ टास्क, जहां निक्की और नैना के बीच भी फाइट, पर निक्की ने नैना से उनकी बैग छीन ली और इसी वजह से नैना हो गई टास्क से बाहर और नैना को करना पड़ा गेम का संचालन। अब बवाल तो हुआ जास्मीन और राहुल के बीच, जो बेवजह भी लगा, क्योंकि राहुल तो अपना टास्क निभा रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी से, जास्मिन से उनकी बैग छीनने की कोशिश में लगे थे। उसी बीच राहुल ने कह दिया कि संभल जाइए, आपको इंजूरी भी हो सकती है। अब जास्मिन तो उनके इंजूरी के बाद को अलग वे में लेकर गई, फिजिकल स्ट्रेंथ का मुद्दा बना दिया और सोफे पर उछल उछल कर ड्रामा कर रही थी। इतना ही नहीं, राहुल पर गुस्से से पानी भी फेंका और कह दिया कि ऐसे आदमी पे तो थू थू। जी हाँ, ऐसा आदमी। और इसी फाइट के साथ शो के एपिसोड का भले दी एंड हुआ हो, पर फाइट का दी एंड होना बाकी है।
अब राहुल वैद्य क्या करेंगे ये भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल तो वो बस कैमरे के सामने जाकर कहते हुए नजर आए कि एक्ट्रेस है, एक्टिंग करेंगी ही, ड्रामा तो करेंगे ही, और बस आगे तो कुछ बोले नहीं है राहुल, क्योंकि हमेशा की तरह उन्हें तो किसी बात पर भी किसी का भी बोलना हो जो भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बात रखते हैं। ये तो ट्रेलर था। कैप्टनसी टास्क के लिए हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा था। और भी पंगे इस घर में होंगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।